हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगुती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र क्या होता है, कौन सा न्यायालय इसको जारी करता है, कौन उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया अपनाकर न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की सेक्शन 370 से सेक्शन 389 तक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का प्रक्रिया, प्रोसेस, डेफिनेशन, कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन सभी कुछ दिया गया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता किन परिस्थितियों में पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी चल संपत्ति को छोड़ गया हो, एक्सपायर हो गया हो व्यक्ति, और निर्वसियती मर गया हो, अर्थात बिना वसियत तहरीर की कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और वह अपनी चल संपत्ति छोड़ गया हो, तो उसके उत्तराधिकारियों को अनेक अथॉरिटी के सामने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए प्राप्त किया जा सकता है, वो भी उस परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति उस संपत्ति के बारे में वसीयत छोड़े बिना ही मर गया हो। मित्रों, वो मूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, जैसे किसी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट में बॉन्ड्स हो सकते हैं, कोई अन्य प्रकार की सिक्योरिटी या डिपॉजिट हो सकती है, बैंक अकाउंट में रुपया हो सकता है, FDR हो सकती है, बैंक के लॉकर में रखी हुई चल संपत्ति हो सकती है, किसी भी अन्य प्रकार की चल संपत्ति किसी अथॉरिटी के पास हो सकती है, तो वो अथॉरिटी उसके वैलिड उत्तराधिकारियों की जांच करने के लिए वह उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांग सकती है, या विभिन्न उत्तराधिकारियों में उस चल संपत्ति के डिस्प्यूट होने में भी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि जो व्यक्ति छोड़ करके गया हो चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी, वो बिना वसीयत के एक्सपायर हुआ हो। अब प्रश्न है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र कौन पेश कर सकता है? तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र उस व्यक्ति के मृतक के विधिक उत्तराधिकारी पेश कर सकते हैं। क्लास वन के लीगल हेयर जो होते हैं वो मदर होती है, वाइफ होती है, सन होते हैं, डॉटर होते हैं। यदि क्लास वन के लीगल हेयर नहीं है तो क्लास टू के लीगल हेयर, और क्लास टू के लीगल हेयर्स नहीं है तो क्लास थ्री के लीगल हेयर्स उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं। किस न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है? तो मित्रों, फ्रेंड्स, ये जानना आवश्यक है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको जिला न्यायालय बोलते हैं, वो होता है। वहां पर उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन डिस्ट्रिक्ट जज को होता है। अब है, प्रार्थना पत्र कैसे पेश करें, उसकी क्या प्रक्रिया अपनाई जाए? तो डिस्ट्रिक्ट जज में कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाले जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करें। प्रार्थना पत्र में न्यायालय का पूरा नाम लिखें, प्रार्थी या एप्लीकेंट अपना पूरा नाम, पता, उम्र, जाति सब कुछ लिखें, उसके मृतक के साथ क्या संबंध थे, जैसे मृतक उनके पिता थे या उनके पति थे, ये संबंध लिखें, और डिक्लेरेशन दें उस अपने प्रार्थना पत्र में कि मृतक निर्वसियती मर गया है, अर्थात मरने से पहले जिस संपत्ति के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र क्लेम किया है उस संपत्ति के बारे में कोई वसीयत छोड़कर नहीं मरे हैं। इसके बाद उसी प्रार्थना पत्र में सारे उत्तराधिकारियों का पूरा नाम, पूरा पता, पूरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें। यदि कुछ उत्तराधिकारी उस प्रार्थी के पक्ष में अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं तो उसका विवरण एवं उनका अनापत्ति प्रमाण पत्र उनके शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें। फिर इसके बाद जिस प्रॉपर्टी का वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उस मूवेबल प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल लिखें, उसकी वैल्यूएशन लिखें, वो कहां पर है या किस अथॉरिटी के पास है वो लिखें, उसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है तो उसका पूरा विवरण दें, साथ में अपना शपथ पत्र पेश करें और उसका मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करें, और यह भी उस प्रार्थना पत्र में लिखें कि मृतक लास्ट में रेजिडेंट कहां था, अंतिम समय में किस जगह उसकी मृत्यु हुई थी। इन सारे प्रार्थना पत्रों के साथ डिस्ट्रिक्ट जज में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है। इसकी कोर्ट फीस क्या हो, तो प्रारंभ में तो एक नॉमिनल कोर्ट फीस पर वह प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है, परंतु जब प्रार्थना पत्र स्वीकार हो जाता है तो माननीय जिला न्यायालय उसकी सब्जेक्ट वैल्यूएशन के अनुसार स्टेट कोर्ट फीस एक्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट फीस की डिमांड करते हैं जो कि एप्लीकेंट को जमा करानी होती है। अब कोर्ट क्या प्रक्रिया अपनाता है, तो कोर्ट सबसे पहले प्रार्थना पत्र की जांच करता है, फिर विधिक उत्तराधिकारियों की जांच करता है। इस बारे में कोर्ट इंक्वायरी या ट्रायल भी कंडक्ट कर सकता है। यदि विधिक उत्तराधिकारियों में डिस्प्यूट है तो कोर्ट उसको एक सूट की तरह ट्रीट करके प्रॉपर एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, एफिडेविट सभी से ले सकता है। माननीय न्यायालय प्रारंभ में अन्य विधिक उत्तराधिकारियों को नोटिस जारी करता है तथा कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर उस नोटिस की चस्पा करवाते हैं। इसके साथ ही माननीय न्यायालय स्थानीय अखबार में उस नोटिस का प्रकाशन करवाते हैं। मित्रों, इससे सहायता ये मिलती है कि यदि उस उत्तराधिकारी ने, जो कि प्रार्थी बनकर कोर्ट में आया है, किसी विधिक उत्तराधिकारी की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया या यह नहीं बताया कि यह उत्तराधिकारी भी है, तो अखबार में जब नोटिस पब्लिश होगा तो वो उत्तराधिकारी भी कोर्ट के सामने आ सकता है। इसके बाद कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, अपनी प्रार्थी की एविडेंस ले सकता है, एफिडेविट ले सकता है, और सारे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करने के पश्चात माननीय न्यायालय उचित समझे तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रॉपर कोर्ट फीस सबमिट करने के बाद प्रार्थी के पक्ष में जारी कर सकता है। उसमें यह लिखता है माननीय न्यायालय कि यह प्रार्थी ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है, मैं इन इन संपत्तियों के बारे में यह उचित समझता हूं कि इसको उत्तराधिकारी घोषित करके और इन संपत्तियों को इसको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के रूप में दिए जाने के आदेश इस उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के तहत दिए जाते हैं, और शपथ पत्र और बॉन्ड भी कोर्ट ले सकता है। इसकी वैलिडिटी कहां है, तो फ्रेंड्स, चाहे वो किसी भी जिला न्यायालय द्वारा जारी किया गया हो, संपूर्ण भारतवर्ष में यह वैलिड है।
अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या एक से अधिक व्यक्ति सेम मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, यदि उत्तराधिकारियों में संपत्ति के बारे में विवाद है तो एक से अधिक व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। उस समय माननीय न्यायालय को उसकी ट्रायल के दौरान यह देखना होगा कि कौन सही क्लेमेंट और किसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। यह पूरा कोर्ट का डिस्क्रिशन है एविडेंस के बाद। क्या एक बार माननीय न्यायालय उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करके उसको रिवोक या कैंसिल कर सकता है? जी हाँ मित्रों, फ्रेंड्स, यदि वो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र फ्रॉड करके लिया गया हो या उसमें अन्य कोई लैकुना हो या बाद में माननीय न्यायालय को अन्य किसी कारण से यह पता पड़े कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते थे, तो वो एक बार जारी किया हुआ उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को रिवोक करके कैंसिल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लिया जा सकता है और प्रार्थी एप्लीकेंट मेजर होना चाहिए। हाँ, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र माइनर के फेवर में भी थ्रू गार्जियन दिया जा सकता है, पर एप्लीकेंट इसमें मेजर होना चाहिए। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना हो तो वह संपूर्ण प्रक्रिया अपनाकर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र माननीय जिला न्यायालय से प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।